सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज की वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बात बताने वाला हूँ जो कि OB27 अपडेट से जुड़ी है। जो न्यू अपकमिंग बंडल्स आने वाले हैं गोल्ड रॉयल इनक्यूबेटर पर, गाइस क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। जो दो इनक्यूबेटर आते हैं डायमंड रॉयल पर, गाइस कौन सा बंडल आने वाला है, ठीक है। और गाइस यहाँ पर बहुत सारे जो अपडेट्स हैं, न्यू फीस्ट का स्किन है, न्यू कैरेक्टर है, सारे चीज़ों के बारे में गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक यार जरूर से देखना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ओपी वाला वीडियो होने वाला है। और गाइस OB27 का जो अपडेट होगा उसका डेट भी गाइस मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस चलो यार वीडियो को यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो गाइस लाइक कर देना, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक एक मोटिवेशन की तरह होता है। उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोग 1000 लाइक कर दोगे, मतलब 1000 मोटिवेशन गाइस आपके भाई को करोगे। तो गाइस चलो यार यहाँ पर सबसे पहला वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और गाइस सबसे पहला जो मैं आपको चीज बताने वाला हूँ वो गाइस OB27 का जो अपडेट है वो गाइस आपको कब देखने को मिलेगा गेम के अंदर। तो गाइस OB27 का जो अपडेट है वो गाइस मैक्सिमम चांस है कि आपको 13 अप्रैल को देखने को मिल जाए, मतलब 13 अप्रैल को देखने को मिलेगा आपको OB27 का जो अपडेट है, ठीक है। न्यू OB अपडेट आएगा, उसके बाद जो रैंक टोकन होगा उसमें गाइस आपको क्या देखने को मिलेगा। अभी गाइस देख सकते हो तो जो कि ये वाला रैंक टोकन गाइस चल रहा है गेम के अंदर जो मेल का है, जो कि आप लोग रैंक टोकन से एक्सचेंज कर पाओगे, तो उसका गाइस एक फीमेल आएगा देख सकते हो तो, जो कि कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको ये वाला जो उसका फीमेल आने वाला है। जब आप लोग हीरोइक करोगे तो नेक्स्ट जब रैंक का सीजन आएगा, ठीक है गाइस, उसके बाद यह ऐड होगा गेम के अंदर। एंड गाइस चलो यार बढ़ते हैं गाइस हमारे जो न्यू अपकमिंग अपडेट्स हैं, जिसमें कि गाइस सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं फीस्ट का स्किन। तो बस यहां पर देख सकते हो जो कि फीस्ट का स्किन, जो कि ये वाला न्यू फीस्ट स्किन आपको देखने को मिल जाएगा गेम के अंदर, जो कि गाइस आपको OB27 अपडेट के बाद मिलेगा। मतलब गाइस यहां पर जो अप्रैल में आने वाला है OB27 का अपडेट, तो गाइस ये वाला जो स्किन है आपको लगभग मई के आसपास देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और गाइस मई महीने के लास्ट वीक के आसपास आपको देखने को मिलेगा ये वाला जो फीस्ट का स्किन है, ओके गाइस। और गाइस इसका जो मैक्सिमम चांस है आपको फेरेड रॉयल के अंदर ही देखने को मिलेगा, मतलब अभी जो हमारा कोबरा MP40 है उस टाइप के कोई इवेंट के अंदर ये देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइस चलो यार अभी बढ़ते हैं हम लोग जो कि हमारा नेक्स्ट अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट में गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि अपकमिंग गाइस हमारा इनक्यूबेटर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दो इनक्यूबेटर आते हैं हर OB अपडेट के बाद गाइस आप लोग जानते होंगे। तो गाइस सबसे पहला जो इनक्यूबेटर आने वाला है आप लोग देख सकते हो, ये हमारा जो ये वाला इनक्यूबेटर है जिनका गाइस चार देख सकते हो गाइस अभी इसमें बंडल है। तो सबसे पहले दो बंडल देख सकते हो जो कि सबसे टॉप यानी गाइस लास्ट के दो देख सकते, तो गाइस आप लोग कुछ इस तरीके से होने वाले हैं देखने में। तो गाइस ये वाला इनक्यूबेटर आप लोगों को कैसा लगा गाइस जरूर से आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ठीक है। एंड गाइस अभी चलते हैं हमारा जो सेकंड इनक्यूबेटर आएगा। अभी गाइस हमारा चल रहा है M41 का इनक्यूबेटर, M41 का इनक्यूबेटर जाएगा, उसके बाद आपको ये वाला जो चार बंडल है इनक्यूबेटर के अंदर देखने को मिलेंगे। के बाद गाइस जो इनक्यूबेटर आएगा वो गाइस अभी आप लोग देख सकते हो जो कि होने वाला है UMP का, ठीक है। हर बार एक गन स्किन का इनक्यूबेटर आता है, तो गाइस इस बार आपको देखने को मिल जाएगा ये वाला UMP का गन स्किन, ठीक है। तो गाइस यहां पर देख सकते हो चार जो UMP का गन स्किन होने वाला है। और गाइस इसका एट्रीब्यूट्स क्या होने वाले वो तो गाइस नहीं पता, बट ये देखने में गाइस काफी ज्यादा माइनक्राफ्ट का जो चीज होता है ना गाइस उस तरीके से लग रहा है। आप लोगों को गाइस कैसा लग रहा है जरूर से गाइस कमेंट करके बताना यार। तो गाइस अभी जो कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, अभी एक पुराना कैरेक्टर फिर से लौट के आने वाला है, मतलब इलाइट एंड्रयू, ठीक है गाइस। अभी आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो ये वाला इलाइट एंड्रयू, जैसे गाइस इलाइट केली था, इलाइट हाया तो था, वैसे ही गाइस आप लोगों को ये वाला जो कि फ्री में मिलेगा, बिल्कुल ही फ्री में मिलेगा। एक छोटा सा इवेंट आएगा, उस इवेंट में गाइस कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को ये वाला चीज जो कि है इलाइट एंड्रयू मिल जाएगा। उसको आप लोग जो कि उसका टोकन वगैरह आएगा जो कि मिशन से आप लोगों को मिलेगा, उसको आप लोग जो कि एक्सचेंज कर सकते हो और गैस इसको मैक्स कर सकते हो, ठीक है। और गैस इसका एबिलिटी क्या है अभी तक पता नहीं चला, बट गैस ये आपको फ्री मिलने वाला है, सारे लोगों को फ्री मिलेगा, ठीक है गैस ये जो इलाइट एंड्रयू है। तो गैस अभी बात करते हैं गैस यहाँ पर तो हो गया इस सारे कैरेक्टर्स के बाद, अभी गैस जो न्यू बंडल्स वगैरह आने वाले हैं, ठीक है, वो गैस मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले गैस कुछ चीज़ जैसे ग्लोवाल और गैस स्केटबोर्ड आपको दिखा देता हूँ। तो गैस यहाँ पर जो कि ग्लोवाल पर देख सकते हो, यहाँ पर गैस 5 ग्लोवाल का लीक आया है। और गाइस यहां पर देख सकते हो लास्ट में जो ग्लो वाल है, एक जब आपका इनक्यूबेटर चलेगा उसी टाइम में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ उस टाइप का गाइस ये गाइस बनावटी है देख सकते हो, उसी टाइम गाइस ये आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एंड गाइस उसके बाद बात करें यहां पर गाइस और जो दो ग्लो वाल गाइस इवेंट का ग्लो वाल होने वाला है, एक गाइस जो ग्रीन और गाइस ये वाला जो ग्लो वाल आप लोग देख सकते हो, इसके बारे में गाइस मैं आपको बाद में जाकर बताऊंगा, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा इवेंट होने वाला है जो देख सकते हो लिखा है फेथ का एक बहुत ही बड़ा इवेंट होने वाला है, बहुत सारे आइटम्स आने वाले हैं, वो सारे चीज गाइस मैंने एक लिस्ट बनाया है वो गाइस मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। बट गाइस उससे पहले आप लोग स्केटबोर्ड वगैरह देख लो गाइस, यहाँ पर गाइस कुछ ऐसे स्केटबोर्ड्स गाइस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और गाइस इन स्केटबोर्ड में से मेरे को गाइस ये वाला जो दो स्केटबोर्ड है मेरे को सबसे ज्यादा पसंद आए हैं। आप लोगों को गाइस कौन सा स्केटबोर्ड ज्यादा अच्छा लगेगा गाइस जरूर से कमेंट करके बताना। तो चलो गाइस अभी हम लोग बात करते हैं जो हमारा बंडल्स वगैरह और गाइस नेक्स्ट डायमंड रॉयल और गोल्ड रॉयल पर कौन सा बंडल आएगा वो गाइस मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो बस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ बंडल्स, तो बस यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा बहुत सारे बंडल, ठीक है। तो बस ये वाला जो बंडल्स हैं वो गाइस
आपको कैसे देखने को मिलेगा, क्या क्या इवेंट होगा उसके बारे में गाइस मैं अभी आपको बताता हूँ और समझा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें गोल्ड रॉयल के बारे में, तो गाइस गोल्ड रॉयल का जो लीग निकल के आ रहा है गाइस मैक्सिमम चांस है कि ये आपको देखने को मिले, ठीक है। और गाइस ये जो है ना ज़्यादातर चांस है इसका गोल्ड रॉयल पर ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है गाइस। और गाइस ये मैक्सिमम सर्वर पर गोल्ड रॉयल का होने वाला है, तो इंडियन सर्वर पर शायद से ना भी हो सके क्योंकि अभी एक मेल का बंडल चल रहा है हमारे गोल्ड रॉयल पर। तो देखते हैं गाइस फिर से गरीना मेल बंडल देता है या फिर फीमेल बंडल देता है, ठीक है। बट कुछ सर्वर पर गाइस ये गोल्ड रॉयल पर आने वाला है। तो गाइस अभी बात करें डायमंड रॉयल के बारे में, तो गाइस डायमंड रॉयल का जो लीक निकला है गाइस उसके हिसाब से गाइस आपको नेक्स्ट जो डायमंड रॉयल देखते हो गाइस आपको ये दो बंडल देखने को मिल जाएगा, जिसका कि देख सकते हो मेल और फीमेल का बंडल है, वो गाइस एक एक करके आता जाएगा, ठीक है। अभी गाइस जो डायमंड रॉयल गाइस आने वाला है वो गाइस अलग डायमंड रॉयल है, बट वो भी अपडेट के बाद, ठीक है। जब OB27 अपडेट हो जाएगा उसके बाद गाइस डायमंड रॉयल गाइस देख सकते हो आप लोग, ये है जो कि आपको अप्रैल के टाइम देखने को मिलेगा, ठीक है। अप्रैल के टाइम जो OB अपडेट आएगा, और गाइस ये जो OB अपडेट आएगा ना जब अप्रैल में, उसके बाद गाइस आपको देखने को मिल जाएगा ये दो बंडल जो कि डायमंड रॉयल पर आने वाले हैं, ठीक है गाइस। और उसके बाद बात करें जो नेक्स्ट गाइस यहां पर देख सकते हो दो सफेद बंडल है गाइस इधर, ये दो सफेद बंडल गाइस आप लोगों को शायद से नेक्स्ट डायनामिक डुओ पर देखने को मिले, ठीक है गाइस। और गाइस यहां पर डायनामिक डुओ की बात करें फीमेल, तो आपको शायद से फ्री मिलेगा, और मेल के लिए आपको कोई इवेंट में आएगा जहां पर आपको डायमंड खर्च करके मेल का बंडल लेना पड़ेगा, ठीक है गाइस। और गाइस नेक्स्ट जो बंडल्स वगैरह देख सकते हो गाइस यहां पर ये दो बंडल, ठीक है। तो गाइस ये दो बंडल गाइस कैसा देख सकते हो, लड़की ने देखो गाइस यहां पर गाल पे उसका क्यूकंबर है, और गाइस नहाने गई थी उसे टॉवल पहन के चले आया, मतलब क्या ही गाइस गरीना कर रहा है अश्लील चीज है। अभी गाइस बात करें और दो बंडल देख सकते हो, जो कि यहाँ पर दो बंडल है, ठीक है। ये वाला बंडल गाइस जो मैक्सिमम चांस आ रहा है ये गाइस आपको समर इवेंट पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। जैसे कि गाइस बीच पार्टी का इवेंट आता है हर समर के टाइम, गर्मी के टाइम, जैसे गाइस हमारे इधर गर्मी के टाइम आ रहा है अप्रैल मई में गाइस जो कि बीच पार्टी का इवेंट आता है, तो उस टाइम गाइस आप लोगों को शायद से ये वाला चीज़ देखने को मिले, क्योंकि गाइस इसका बंडल वगैरह देख सकते हो जो फीमेल का बिकनी वगैरह पहना हुआ है, अंदाजा लगा सकते हो गाइस समुद्र पर नहाने जा रहा है, ठीक है। गर्मी है आप लोग समझ सकते हो गाइस, दो गाइस यहाँ पर जो मेल और फीमेल का बंडल है वो गाइस शायद से आपको जो कि बीच पार्टी के इवेंट मतलब समर के इवेंट के टाइम देखने को मिल सकता है। तो गाइस अभी हम लोग बात करते हैं गाइस दूसरा जो इवेंट आने वाला है, जो कि गाइस फ्री फायर और फेथ का गाइस होने वाला है, मतलब गाइस ये फेथ का शायद से कोई आप लोग देख सकते हो कोलाबोरेशन शायद से कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ शायद से कुछ अलग चीज़ हो भी हो सकता है, मेरे को तो लगता है कोई कोलाबोरेशन टाइप का होगा, क्योंकि गाइस फ्री फायर और फेथ का बहुत सारे चीज़ आने वाले हैं, ठीक है। तो और गाइस इन सारे चीज़ों का गाइस मैंने एक लिस्ट बनाया गाइस आप लोग अभी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो गाइस, जो कि गाइस फ्री फायर और गाइस फेथ का होने वाला है। यहाँ पर गाइस बहुत सारे चीज़ देख सकते हो, जो बंडल्स वगैरह, और गाइस यहाँ पर देख सकते हो ग्लूवाल के ऊपर फेथ लगा है, और गाइस अगर आप लोग बंडल को जूम करके देखोगे उसका जो चेन टाइप का है उधर भी गाइस फेथ लिखा है, और गाइस यहाँ पर जो कार का स्क्रीन देख सकते हो उधर भी गाइस फेथ लिखा है, और पैरासूट पर भी फेथ है, और गाइस इधर जो M187 का स्क्रीन है वो भी गाइस फेथ का ही स्क्रीन है, ठीक है। और गाइस अभी आप लोग बोलोगे कि ये इवोगन स्क्रीन है, तो गाइस मे बी ये इवोगन स्क्रीन भी हो सकता है, मतलब यहाँ पर जब कोबरा का आया था, ठीक है, कोबरा का गाइस थीम के अंदर ही कोबरा का MP40 आया था जो कि इवो MP40 था, तो गाइस ऐसे हो सकता है अभी जो फेथ का है गाइस इवेंट आने वाला है, फेथ के इवेंट के अंदर गाइस आपको इवो M187 का स्किन देखने को मिल सकता है, ठीक है गाइस। ऐसा गाइस होने का बहुत ही ज्यादा मैक्सिमम चांस है गाइस, जो कि मैंने आपको अभी बताया, बट इसके बारे में और भी पूरा डिटेल्स का अभी नहीं मिला है, ये इसको गाइस मैं अभी आपको दूसरे जो वीडियो है पूरा इसका इवोल्यूशन स्किन को समझाने वाला हूँ, तो इसलिए वीडियो को लाइक जरूर से कर दे, और अगर सब्सक्राइब चैनल को जरूर से कर देना, और पास में जो बेल आइकन है उसको गाइस ऑल पर सेट कर दो, ठीक है। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।